Hi friends, welcome back to the log and welcome back to the new customization. And you can see that Vulcan. आज का कस्टमाइजेशन मैं कर रहा हूँ Kawasaki Vulcan पर, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं. मैं कुछ एक दो हफ्ते से काम कर रहा हूँ इस पर. मैं अपडेट भी किया था इंस्टा पे, फेसबुक पे. और ये बाइक बॉम्बे की फर्स्ट बाइक है, फर्स्ट डिलीवर बाइक है जो मेरे पास आई थी काम करने के लिए. और इस पर कुछ छोटा मोटा टूरिंग सेटअप और कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे विंडशील्ड लगाया है और हीट शील्ड लगाया है. तो ये सारी चीज़ें दिखाने से पहले आपको एक शॉर्ट ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ इसका मैं. ये Vulcan Kawasaki की तरफ से सेकेंड क्रूज़र बाइक है इंडिया में. सबसे पहले 2000 में हमने देखा था एलिमिनेटर और ये अब Kawasaki Vulcan 650. और दोनों में काफ़ी डिफरेंस है. वो 175 cc था, ये 650 है. और एक बड़े गैप के बाद ये बाइक आई है. और ये काफ़ी रिफाइन और बेटर बाइक है देखा जाए तो. इसको कंपेयर करते हार्ली डेविडसन 750 से 83 से भी कंपेयर कर सकते हैं आराम से, क्योंकि मैं खुद 83 यूज़ कर चुका हूँ. और सस्पेंशन वाइज बहुत ही वर्स्ट है हार्ली डेविडसन, जबकि Vulcan बहुत रिफाइन है. आपको फील नहीं होगा कि आप एक 650 cc की बाइक विद इन सिटी विद इन ट्रैफिक चला रहे हो. तो मैं आपको एक वॉक अराउंड दिखाता उसका. सो गाइज, ये है नंबर प्लेट का फिटिंग जिसको मैंने काट के छोटा किया है, जस्ट बिकॉज नंबर प्लेट हमें यहाँ नहीं चाहिए. हमने यहाँ पर विंडशील्ड लगा रहे और विंडशील्ड ऑलरेडी है, मैं आपको दिखा था उसका वीडियो. और ये लाइट माउंट बनाया है, लाइट माउंट कस्टमाइज किया हुआ है. फिर देखा जाए तो ये सेम 650 इंजन है जो EN6R Kawasaki वर्सेस सब में आता है. और ये जो Vulcan में है काफ़ी रिफाइन इंजन है, EN6R से भी काफ़ी रिफाइन लग रहा है मुझे. सिर्फ एक इशू है, वो है ग्राउंड क्लियरेंस. इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है, सेम EN6R में भी कम ग्राउंड क्लियरेंस, लेकिन इसकी उससे कम है. स्पीड ब्रेकर से बहुत संभालना होता है, सेम लाइक हार्ली. और शेप वाइज बहुत बेटर है, कुछ हटके लगती है. सेम स्पीडोमीटर, सिटिंग कंफर्ट इतना कंफर्टेबल है मानो आप एक एवेंजर पे बैठे हो. एवेंजर काफी कंफर्टेबल है और वेट फील नहीं होता है ट्रैफिक में, मोनोब्रिंग में. एक्चुअली लॉन्ग व्हील बेस है, लॉन्ग व्हील बेस की वजह से आपको थोड़ा हैबिट डालना पड़ेगा उसमें, यूज टू होना पड़ेगा हैंडलिंग के लिए, लेकिन फिर भी काफ़ी कंफर्टेबल है. इसके हैंडल इतने कंफर्टेबल दिए कि जब एक इंसान एक शॉर्ट हो या लॉन्ग इंसान हो, दोनों में भी बैठेंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल है. प्लस फॉरवर्ड फुट पेक्स, फॉरवर्ड कंट्रोल है तो क्रूजिंग के लिए काफ़ी बेटर है ये, क्रूजिंग के लिए. जबकि हाल ही में सेंटर में आता है नॉर्मल बाइक जैसा, ये फॉरवर्ड कंट्रोल दिया हुआ है. हाल ही में फॉरवर्ड कंट्रोल आते हैं वो ऑप्शनल रहते हैं, इसमें ऑप्शनल नहीं है, कंपनी से आ रहा है. और एक खास बात है, ये बाइक ABS है और ब्रेकिंग बहुत सुपर ब्रेकिंग है, कोई स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं ब्रेकिंग में. पावर 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 वाइज तो बहुत ही बेटर है. इनिशियल टॉर्क इतना है बाइक में कि आपको लगेगा नहीं क्रूजर चला रहे, स्पोर्ट्स बाइक चला रहे. ऑलमोस्ट 650 cc का प्रॉपर टॉर्क और पावर निकालती है बाइक. था एक शॉर्ट रिव्यू इस Vulcan पर. अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इसमें क्या क्या कस्टमाइजेशन किए हुए. चलते कस्टमाइजेशन की तरफ. सो ये वो सारी चीज़ें जो इसके लिए कस्टमाइज की है. जैसे टॉप बॉक्स के लिए ये प्लेट बनाया है, इसमें शॉर्ट में लिखा है HGTC, कस्टम्स पूरा नहीं लिखा है. फिर ये है हीट शील्ड जो मैं आपको बताऊंगा क्या काम का है. तो ये इसका फिटिंग है, टॉप बॉक्स प्लेट का साइड फिटिंग है जैसे. ये बनाने का रीज़न है हैंडल लगा रही जो पिलियन को बैठने के लिए. और ये अंदर स्पेशल बुश बनाए हुए मेटल के जो इसको होल्ड रखेंगे. यहाँ पर कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ.
So fitting is done. और ये टॉप बॉक्स रैक माउंट है. ये टू वे फिटिंग इसलिए कि कल को इसमें हम लोग बैकरेस्ट भी बनाने वाले हैं. बैकरेस्ट बनाएंगे आगे जा करके, तो उसके लिए बोल्ट फिटिंग भी बनाया उससे. विंडशील्ड है. ये विंडशील्ड थी बाइक के ओनर की, होंडा हॉर्नेट की, जो उन्होंने इस पर ऑल्टर कर दिया. विंड ब्लास्ट शील्ड, देन हीट शील्ड. वल्कन में एक प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया, वो है हीट का. ये जो कैप है इसमें से जब फैन ऑन होता है इंजन गर्म होने पर ट्रैफिक में या लोकल सिटी राइड में, तो वो हीट डायरेक्ट पैर पर आती है, एंकल पर यहाँ पर. तो उसके लिए शीट बनाई है कि हीट वो एयर डायरेक्ट पैर पे हीट नहीं करे, बल्कि विंड वो हीट यहाँ पर ब्लास्ट करके निकल जाए बाजू बाजू से. काफ़ी जगह है तो वो कूलेंट भी हीट नहीं होगा, ना ही हीट अंदर रहेगी, वो तो वैसे ही बाहर निकल जाएगी गैप काफ़ी, फिर भी पैर पे हीट नहीं करे वो हॉट विंड. तो उसके लिए हीट शील्ड है. फिर ये लाइट माउंट है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर जो वल्कन के इसमें दिखाया था फोटोज में वैसे ही बनाया हमने. अब इस पर एल्युमिनियम बुश आएंगे, बुश के ऊपर लाइट लगेगी, उसमें ड्रिल होगा, काफ़ी कुछ करना है. अब मैं इस पे टॉप बॉक्स की प्लेट लगाऊंगा, ये जीवी की प्लेट है. सो गाइस, बाइक इज रेडी, सब कस्टमाइजेशन फिट हो चुके हैं और हमारे साथ है बाइक के ओनर. तो आप कुछ बताना चाहेंगे अपने बाइक के बारे में? Well, bike is good, but I was comfortable leaving the bike with Eman. Everything was done as specific and ideas better than mine, and very happy with the job. नहीं नहीं, ज़्यादातर आइडिया आपका था सर. इसमें ज़्यादातर आइडिया जो सर का खुद का है उनका, जैसे कि ये अंदर की कटिंग हो गई, फिर ये जो हैंडल के लिए बैंड है और हैंडल्स वो खुद पेंट वेंट कर रहे हैं, बना रहे. फिर जो प्लेट की डिज़ाइन थी, फिटिंग्स तो मैंने डिज़ाइन की है, लेकिन जो अंदर की डिज़ाइनिंग थी जैसे आपने देखा फोटोज़ में, वो इनकी डिज़ाइन की हुई है मोर ऑल. फिर विंडशील्ड भी उनका खुद का लाया हुआ है, जो मैंने इसे फिट किया है. ओके, सो मैंने इसे इस तरह से फिट किया है. हैंडल पे सर क्लिप ऑन माउंट आता है. फिर ये अंदर जो नंबर प्लेट का फिटिंग्स है उसके ऊपर से फिट किया है. ये भी मोर ऑल एस उन्होंने ही डिज़ाइन की है. मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया था, उन्होंने कुछ और अलग तरीके से डिज़ाइन करके फिर उसे टेपर में बेंड भी करने बोला. मैं सीधा फ्लैट रख रहा था उसे, लेकिन उन्होंने बोला कि बेंड करो, बिकॉज जब हीट इम्पैक्ट आएगा, हीट जब हीट करेगी यहाँ पर जो फैन का हवा है, तो वो हवा एरोडायनेमिक होकर निकल जानी चाहिए आजू बाजू से बाहर, इसलिए वो कैप रखा है कि वो अंदर ही नहीं रहे. तो वो एक आइडिया उनका था. काफ़ी कुछ किया है इस गाड़ी पर, तो मोर ऑर लेस उन्होंने और मैंने दोनों ने मिल के ये गाड़ी रेडी की है. ओके, तो नाउ इट इज़ डन. ये टॉप बॉक्स सेटअप है जो जीवी प्लेट पर बैठा है, वो प्लेट का फिटिंग मैंने डायरेक्ट अपने मेटल की प्लेट पे बनाया. और ये है डिस्क ब्रेक लॉक, तो वो कहाँ हर बार कैरी करके घूमेंगे, इसलिए इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर स्पेशल खड्डा बनाया जिसमें वो लॉक हो जाएगा, फिर जब वो कहीं बाइक पार्क कर रहे हैं तो उसको डिस्क ब्रेक लॉक कर सकते हैं. तो गाइस, ये था कस्टमाइजेशन वीडियो और एक छोटा सा रिव्यू कावासाकी वल्कन 650S पर. और इस तरह का कस्टमाइजेशन अगर कोई वल्कन ओनर करना चाहता है तो मैं कर लूँगा. मैं बॉम्बे बेस्ड हूँ और बॉम्बे में मुझे बाइक मिलेगी तो करूँगा, नहीं तो फिर मेरे फिटमेंट्स रेडी मिल जाएंगे, ऑर्डर करेंगे, ऐसा ऑर्डर बेसिस रखूँगा मैं. ओके, सो ये इसको ऑर्डर भेजूँगा इसे. सो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और इसी तरह के और कस्टमाइजेशन अलग अलग बाइक्स पर देखने के लिए मेरा चैनल देखते रहिए. टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ, एंजॉय योर राइड, टेक केयर.